हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और प्रॉपर्टी जो सेल के लिए अवेलेबल है। एंड जो आज की जो प्रॉपर्टी ना दोस्तों कमर्शियल यूज के लिए, जो भी है ना इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं ऑन रोड रोहिणी में फ्री होल्ड, जिसे आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यूज कर सके, ऐसी प्रॉपर्टी आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ऑन रोड रोहिणी सेक्टर 5 सोम बाजार रोड के पास में, मेट्रो से दूरी रहेगी मात्र आपकी 600-700 मीटर की। सेंटर की दोस्तों बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर फ्री होल्ड 26 मीटर का जोड़ा 2+1 मैं आज आप सभी लोगों के लेकर के आया जो सेल के लिए अवेलेबल है, जिसके साथ में आप लोगों को खांचे में ही आपको पार्किंग वगैरह सब मिल जाएगी। सारी की सारी एमिनिटीज आप लोगों को मिल जाती है इस प्रॉपर्टी के साथ में। आप बिजनेस करना चाहें, आप आप रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं। तो बात की जाए सबसे पहले पार्किंग एरिया की, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको पार्किंग का कोई भी इशू नहीं होने वाला है। इधर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। कांचे की प्रॉपर्टी है ये, इसका फसाद एरिया है, फर्स्ट फ्लोर सेल के लिए अवेलेबल है रोहिणी के सेक्टर 5 में। आप इधर देखिए, मैं आप लोगों के पास रोड दिखाता हूँ। यहाँ की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मौके की ऑन रोड सोम बाजार रोड पे आज मैं इस प्रॉपर्टी को लेकर के आया हूँ। रिक्शे जो है दोस्तों चलते ही रहते हैं, किसी भी तरीके की मतलब मार्केट आप लोगों को इधर मिल जाती है, अम्बेडकर राजीव गांधी आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, राइट। एंड ये है इस प्रॉपर्टी की एंट्रेंस, स्टेयरकेस के थ्रू आप अपने फ्लैट तक जा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी के बारे में ना सर बताइए, सर प्लीज अपना नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम केपी शर्मा है, यहाँ नजदीक 2 मेट्रो स्टेशन लगते हैं, बिल्कुल 200 मीटर दूर, और 2 स्कूल है, विद्या जैन स्कूल और माउंट आबू स्कूल नियरेस्ट, अम्बेडकर राजीव गांधी हॉस्पिटल बिल्कुल नजदीक है। सारी की सारी मार्केट्स वगैरह यहाँ पे आसपास आप लोगों को मिल जाएगी, सिटी सेंटर मॉल नियरेस्ट है और मेट्रो वॉक। एमिनिटीज के मामले में दोस्तों सब चीज बिल्कुल आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे आप लोगों को मिलने वाली है, मार्केट हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल। ये है दोस्तों ये है इसका लिविंग एरिया, थोड़ा सा गंदगी है जिसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप देखेंगे तो साइज बहुत अच्छा है इसका, ड्राइंग रूम का आपका वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होने वाली है, बिल्कुल खुली डुली प्रॉपर्टी। इधर आप देख सकते हैं, इधर आप लोगों को बहुत बड़ी विंडो मिल जाती है, उधर बालकनी अटैच है इस ड्राइंग रूम के साथ में। आप यहाँ पर अपना डाइनिंग वगैरह का, आप सोफा वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड इसी के हिसाब से दोस्तों मैं लेआउट आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, तो बिल्कुल जैसे एंट्री लेते हैं तो आप लोगों के बहुत ही बड़ा इसका एक अच्छा सा किचन आप लोगों को मिल जाता है। सबसे पहले किचन की बात कर लेते हैं, तो किचन में दोस्तों वेंटिलेशन का पॉइंट आप देखिए, इसमें आपको एग्जॉस्ट वगैरह सब लगा करके मिल जाता है। टाइलिंग 5 फुट की इसमें टाइलिंग मिल जाती है, जिससे तो दोस्तों बच्चे गंदा नहीं कर पाएंगे, इस किचन को इजीली साफ सफाई मेंटेन की जा सकती है। ड्रॉर्स वगैरह आप देखिए, काफी सारे इसमें ड्रॉर्स मिल जाते हैं, कैबिनेट वगैरह मिल जाते हैं इसमें, और नीचे भी आप लोगों को मार्बल मिल जाता है। इस तरफ एक बहुत बड़ा सिंक आप लोगों को मिल जाता है, और इस तरफ आप देखेंगे दोस्तों इस तरफ भी शेल्फ, आप यहाँ पर भी कुछ ग्रोसरीज के सामान या फिर मिर्च मसाले जो भी आप रखना चाहें यहाँ पर कुछ भी आप, या फिर सजावट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे रख सकते हैं। के जस्ट बिल्कुल बगल में भी दोस्तों आप लोगों को ना एक छोटा स्पेस मिल जाता है, जिसको आप मंदिर के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर एक स्टोरेज वाली स्टोरेज का पॉइंट इसको बना सकते हैं, कुछ भी आप लोगों ने रखना हो तो। स्पेस में बताऊं तो काफी अच्छा खासा स्पेस इसमें है, स्टोरेज या फिर मंदिर आप जैसा भी चाहें उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। इधर आप लोगों को साथ में मिल जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम, जिसमें आप लोगों को अलमीरा मिल जाती है अटैच। साइज की बात की जाए तो दोस्तों साइज काफी अच्छा है इस प्रॉपर्टी का, आप अच्छे से डबल बेड लगाने के बाद भी काफी सारा स्पेस आप लोगों को मिल जाता है। वेंटिलेशन का जो पॉइंट है ना बहुत ही अच्छा, ऊपर की आप देखिए फॉल सीलिंग व्हाइट वॉश वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, एंड नीचे आप लोगों को काफी अच्छे मार्बल मिल जाते हैं, राइट। हर जगह पे स्विचेस मिल जाते हैं, इधर भी स्विच है एंड इधर भी स्विच वगैरह मिल जाते हैं। साथ में इधर देखिए दोस्तों आप लोगों को अलमीरा मिल जाती है, जिसमें बिल्कुल भी दीमक लगने की कोई भी वो नहीं है, ऊपर तक आप लोगों को स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड इसी के साथ में जब हम दोस्तों बाहर आते हैं, गेट वगैरह आप देखिए बहुत अच्छा काम इसमें किया हुआ है। इसी के साथ में हमारा है दूसरा बेडरूम,
दूसरे बेडरूम के साथ में दोस्तों अटैच मिल जाता है आप लोगों को वॉशरूम। इसका साइज देखेंगे तो साइज बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें आप लोगों को एक वॉशरूम भी मिल जाता है। इसमें आप लोगों को देखिए इस तरफ की वॉल एंड इधर वॉल, आप इसको रेनोवेट छोटा मोटा चाहे आप काम करवा सकते हैं। एंड इधर की मैं वॉल आप लोगों को दिखाऊं तो इस तरफ वॉल पेपर आप लोगों को लगा हुआ मिल जाता है, राइट। एंड इसी के ही साथ में आप लोगों को मिलता है काफी अच्छा यू नो डिसेंट साइज का वॉशरूम। लाइट के लिए ये इसका वॉशरूम है, साइज काफी अच्छा है, वेंटिलेशन का पॉइंट इसमें भी है एंड ऊपर तक इसमें भी टाइलिंग आप लोगों को मिल जाती है। ये इसका पॉट एरिया, ये इसका वॉश बेसिन एंड इस तरफ यू नो शावर वगैरह के लिए नल वगैरह इस तरफ आप टावल वगैरह रख सकते हैं एंड ऊपर तक टाइलिंग मिल जाती है, स्विच वगैरह आप लोगों को सभी के सभी मिल जाते हैं, राइट। एंड इधर से आप वेंटिलेशन का पॉइंट है एंड इधर आप लोगों को मिरर मिल जाता है, इधर आपको सजावट के लिए यहाँ पर आप कुछ भी सजा सकते हैं, राइट। कैसी लग रही है प्रॉपर्टी दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। वापस से बाहर आते हैं एंड दिखाता हूं मैं आप लोगों को इस फ्लैट का एक और यू नो जो कॉमन वॉशरूम होने वाला है वो है दोस्तों ये इसका कॉमन वॉशरूम है, डिसेंट साइज है, एग्जॉस्ट मिल जाता है अंदर लगा हुआ एंड ऊपर तक इसमें भी टाइलिंग है, कॉन्ट्रास्ट टाइलिंग, इधर भी आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइलिंग मिल जाती है, इधर टॉवल के लिए, इधर वॉश बेसिन एंड इधर आप लोगों को पॉट मिल जाता है, राइट। इधर मिरर वगैरह लगाया हुआ है पहले से, लाइटिंग वगैरह मिल जाती है, शावर वगैरह कुल मिलाकर के। एंड दोस्तों जो वुडन वर्क है ना, वुडन वर्क बहुत ही अच्छा, वुडन वर्क भी किया हुआ है, क्वालिटी वर्क किया हुआ है दोस्तों। अगर मैं बालकनी की बात करूं तो ये है इसकी बालकनी साइज, आप देखिए बालकनी का बहुत अच्छा इसका साइज है एंड इस तरफ आप लोगों को लोहे की ग्रिल मिल जाती है, राइट। इसमें आपका जाली वगैरह लगाई हुई है कबूतर वगैरह जो गंदगी ना करे। इसकी फॉल सीलिंग आप देखिए ऊपर लाइटिंग वगैरह मिल जाती है एंड मार्बल वगैरह बाहर बहुत अच्छे से डिजाइनिंग की हुई है। टी कॉफी वगैरह को आप एंजॉय कर सकते हैं, अब इसको यू नो कमर्शियल यूज में भी ला सकते हैं आपके एम्प्लॉय वगैरह या फिर आप यू नो टाइम टू टाइम इंजॉय कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं थोड़ा बहुत रिफ्रेश होने के लिए। नीचे मार्बल वगैरह लगाई हुई है तो ये है इसकी बालकनी। तो अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के अंत पार्ट में जिसमें मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ आप सभी लोगों के साथ में इस प्रॉपर्टी का होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है 65 लाख रुपए जो ऑन टेबल नेगोशिएबल भी होने वाला है। एंड ये जो प्रॉपर्टी है फ्री होल्ड है मेट्रो, दोनों मेट्रो स्टेशन रोही वेस्ट रिठाला मेट्रो आपके यू नो 400-500 मीटर की दूरी पर है, राइट। कैसी लगी है प्रॉपर्टी अभी के अभी दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं एंड साइट विजिट के लिए प्रॉपर्टी की डील को क्रूज करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं अभी के अभी कॉल करें। एंड इसी तरीके की अगर आपकी कोई और भी डिमांड हो, किसी तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे दोस्तों हम। जस्ट आपने करना क्या, आपने स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आपने उस पर कॉल करना है। सॉल्व फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।